नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल के बारे में, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो 3,16,800 रुपए है और इसका अभी करंट प्राइस 580 रुपए के आसपास है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक छोटा सा चार्ट एनालिसिस, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे और जानेंगे कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक अभी बाय, होल्ड या सेल, इन तीनों में से क्या करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों आप में से कुछ लोगों के पास एयरटेल का स्टॉक ऑलरेडी रखा हो, तो उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग एयरटेल का स्टॉक खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि अभी ये बाय करने का सही टाइम है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एयरटेल के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है इस स्टॉक का मोमेंटम। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जो मोमेंटम है वो काफी पॉजिटिव है। अगर हम देखें यहाँ पे नवंबर 2020 से, तो मोमेंटम आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ऊपर की तरफ रहा है। नवंबर में 427 रुपए प्राइस हुआ करता था और अभी ये जो स्टॉक है करंटली 580 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो मोमेंटम अप है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब अगर मैं रिसेंट हाई की बात करूँ दोस्तों, तो वो 608 रुपए के आसपास है और अभी आप लोग जैसा कि जानते हैं स्टॉक जो है वो 580 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि जब स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, तब इसमें जो वॉल्यूम थी वो काफी हाई थी। तो हाई वॉल्यूम जब हो और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है इस स्टॉक के लिए। और अगर हम बात करें मूविंग एवरेजेस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि ब्लू लाइन है और 50 दिन का मूविंग एवरेज जो कि रेड लाइन है, तो ये दो मूविंग एवरेजेस लगा के रखे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर अभी हमें देखने को मिला है भारती एयरटेल के स्टॉक में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अभी हमारी पोजीशन इसमें कैसी होनी चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, अब हम उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, उससे बाय करने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो अगर हम मोमेंटम वाइज देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल बाइंग बनती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से 605 रुपए के आसपास यहाँ पे काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा मेरे ख्याल से, तभी इसमें बाइंग करना बहुत सेंसिबल चीज होगी। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता और आप बाय करते हैं स्टॉक को, तो आपका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ है तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं इसके सपोर्ट की, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक का जो सपोर्ट है वो अराउंड 550 रुपए के आसपास है दोस्तों। तो 550 रुपए पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दोस्तों बाइंग तभी करें जब ये स्टॉक 605 रुपए का अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।